हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आप कई बार मार्केट गए होंगे। मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो दुकानदार क्या करता है, उस प्रोडक्ट पर आपको कुछ छूट दे देता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उस डिस्काउंट को निकालना सीखेंगे कि आखिर डिस्काउंट हम निकालते कैसे हैं, कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला और उस डिस्काउंट को माइनस करके हमें कितने रुपए में वो चीज़ मिल रही है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कभी भी आपको लॉस ना हो, कभी भी आप मार्केट में धोखा ना खाएं या डिस्काउंट निकालने में कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इस वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते दोस्तों, हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। घड़ी का मूल 750 रुपये और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 12% का। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ये जो मूल है ये मार्केट प्राइस है, जो उसके पैकेट पर, जो प्रोडक्ट के पैकेट पर प्राइस डली रहती है, ये उस पर क्या है, प्राइस है। और उस पर दुकानदार क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 12% का। तो हमें निकालना है कि इस 750 का 12% कितना होगा, मतलब 12% में हमें कितना रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखो, हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, डिस्काउंट निकालना बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। डिस्काउंट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट परसेंट का है। दोस्तों, अगर आपने परसेंट वाली वीडियो नहीं देखी है या अगर आपको परसेंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड एंड स्क्रीन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं अगर आपको परसेंट में कोई प्रॉब्लम है तो। देखो, डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, जो प्राइस है मार्केट प्राइस उसको लिखेंगे और जितनी परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा है उसका हम गुणा कर देंगे। 12% दे रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इस 12 को ऐसे लिखना है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब देखो, 4 से हमने 12 को 3 बार काट दिया, 4 से 100 को 25 बार काट दिया, 25 से 75 3 बार कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 3 और 0 और 3, 30 और 3, 30 किया कितना, 90 रुपये। डिस्काउंट कितना आ गया हमारा दोस्तों, डिस्काउंट आ गया हमारा 90 रुपये का, मतलब 750 रुपये पर 12% की छूट, मतलब 90 रुपये की छूट हमें मिल रही है। अब हम निकालेंगे कि घड़ी हमें कितने रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, घड़ी हमें कितने में मिलेगी, मतलब घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, घड़ी का सीपी हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। देखो, जो मार्केट प्राइस था दोस्तों 750, उसमें से हम डिस्काउंट को घटा देंगे, मतलब 90 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 660, 660 रुपये में दोस्तों हमें घड़ी मिल जाएगी। मतलब दोस्तों, 750 रुपये के प्रोडक्ट पर 12% की छूट, मतलब 750 रुपये की घड़ी पर 12% की छूट, मतलब 90 रुपये की छूट, तो हमें कितने में घड़ी मिल जाएगी, 660 रुपये में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पर हम कैसे डिस्काउंट निकालते हैं और प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो भी हम निकालना सीख चुके हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।